हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। एसएससी सीएचएसएल का 17 मार्च फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम का आपका कंडक्ट हो चुका है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएस के कुछ क्वेश्चंस जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जिन लोगों का सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में एग्जाम है वो लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको उस से बहुत हेल्प मिलने वाला है कि किस पे लेवल के जो है यहाँ पर क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेड कलर के बटन को प्रेस करके, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए इससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन हमारे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन दोस्तों ये था कि आपका गंगा नदी जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो उसमें आपका असम दिया हुआ था, ठीक है। तो देखिए बिहार बंगाल तक जो है गंगा नदी जाती है, उसके बाद असम में जो है वो नहीं जाती है, ठीक है। तो बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और असम, आपके इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका असम, ठीक है। असम से जो है वो गंगा नदी नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये सभी लोग जानते हैं न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपका इजी क्वेश्चन था, बाकी आपका मॉडरेट लेवल का ही जीएस रहा है। बाकी मैथ के क्वेश्चन में आपको जो है वो अलग से वीडियो बनाऊंगा उसके लिए भी। एक क्वेश्चन था देखिए, उत्तर प्रदेश में आदर्श पुनरुत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में आदर्श पुनरुत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये आपका राजधानी लखनऊ में स्थित है, ठीक है। ये तो आपका सिंपल सा हो जाता क्वेश्चन क्योंकि सभी लोगों को लगभग पता होगा। नेक्स्ट है कि देखिए, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए सेल्यूकस परप्यूरिया, ठीक है, इस नामक पौधे का यूज़ किया जाता है, इसकी लकड़ी का यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए। और पूछा जा सकता है कि जो वीणा बनाते हैं ना, वीणा बनाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया था अभी, तो वीणा बनाने के लिए जो है वो कटहल की लकड़ी का यूज़ किया जाता है। किसकी? कटहल की लकड़ी का यूज़ किया जाता है वीणा का दंड बनाने के लिए। इसके लिए याद रखिएगा, वीणा का दंड बनाने के लिए कटहल की लकड़ी का यूज़ किया जाता है। एक क्वेश्चन था आपका, उस भारतीय का नाम बताइए जिसे ओलंपिक खेलों में एनबॉलिक स्टेरॉइड का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंधित किया गया। एनबॉलिक स्टेरॉइड का उपयोग करने के कारण अश्विनी अकुंजी को प्रतिबंधित किया गया था ओलंपिक खेलों से, ठीक है। तो इसमें यह राइट आंसर हो जाएगा अश्विनी अकुंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई और किस अधिवेशन में हुई है ना। तो ये पूछा गया था कहाँ पर हुई थी, तो ये आपका फैजपुर का जो अधिवेशन था कांग्रेस का सन 1936 में, यहाँ पर जो है वो राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी, ठीक है, 1936 में फैजपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, संविधान सभा के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो संविधान सभा के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में पढ़ सकते हैं, ठीक है, प्रस्तावना में ही सारे चीज़ें साफ की गई हैं संविधान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है। तो किसी को भी मंत्री बनाया जा सकता है केंद्र सरकार में, लेकिन कितने दिनों तक? 6 महीनों तक। 6 महीनों के बाद उसको या तो फिर राज्यसभा भेजना होगा या फिर उसको इलेक्टेड मेंबर होना चाहिए वो लोकसभा का, ठीक है, या तो उसको सेलेक्टेड मेंबर होना चाहिए राज्यसभा का या फिर वो इलेक्शन लड़कर आपका लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, ठीक है। अधिकतम मैक्सिमम समय है 6 महीने तक, कोई भी जो है वो किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस चीनी बौद्ध भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों का अनुवाद संस्कृत से हिंदी में किया गया था। तो ये आपका ह्वेनसांग के द्वारा, ह्वेनसांग ने जो पवित्र ग्रंथों का अनुवाद संस्कृत से जो है वो किस भाषा में किया था, चीनी भाषा में किया था, और चीनी दार्शनिक था एक, ठीक है। पूछा जाता है क्वेश्चन, किसके शासनकाल में भारत आया था। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंद्रजीत सिंह किससे संबंधित है। तो इंद्रजीत सिंह का संबंध है गोला फेंक से, ठीक है, ये गोला फेंक खिलाड़ी हैं, ठीक है, जो गोला फेंक में प्रदर्शन होता है ओलंपिक खेलों में भी होता है, तो ये आपका इंद्रजीत सिंह उसी से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है। तो ये कागज रहित समाचार पत्र है पहला भारत का, द न्यूज़ टुडे, ठीक है, द न्यूज़ टुडे भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कहलाता है गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि जीएस से रिलेटेड थे। बाकी मैं आपको देखिए मैथ का और रीजनिंग के जैसे क्वेश्चन मेरे पास आ जाएंगे तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा जितने क्वेश्चंस आपको पता हो, ठीक है, और मैं उन सभी का जो है वो अलग से अपने वीडियो जो है वो बना दूंगा आपको, ठीक है।